अस्सलाम वालेकुम, आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट इकरा अकरम खान विद अ न्यू वीडियो दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी डिजीज़। ऑन द बिहाफ ऑफ एमएस एकेडमिया, आई वुड लाइक यू ऑल टू वेलकम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू नोटिफाई यू एवरी टाइम आई हैव अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर। मेजर पॉइंट्स वी विल कवर टूडे इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी एंड द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। Let's start with definition of viruses. Viruses are the infectious agent that are too small to be seen with a light microscope. Means के viruses जो होते हैं वो एक infectious agent है। Infectious agent मतलब जो कि infection फैलाते हैं, ठीक है। That are too small means कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें microscope को use करना पड़ता है। Next is the acellular absence of nucleus, organelles and plasma membrane. मीन्स कि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि जो इन चीज़ों से मिलकर सेल बनता है, मतलब ऑर्गेनेलीज नहीं होती इनमें। ऑर्गेनेलीज का मतलब बेसिक कंपोनेंट जिनसे सेल बन रहा होता है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब चीज़ें वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। नो एटीपी जनरेटिंग मेटाबोलाइट। एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी जनरेटिंग वगैरह उसमें कुछ भी नहीं होता। ये बाइनरी फिशन में भी नहीं जाते। बाइनरी फिशन मतलब एक सेल से दो, दो से चार। सेंसिटिव टू इंटरफेरोन मतलब कि ये जो है वो सस्पेप्टेबल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि वायरस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वायरसेज आर द स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया, मतलब इनका साइज इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, तो इसके लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। द बिगेस्ट साइज वायरस इज अबाउट 240 to 300 नैनोमीटर। NM स्टैंड फॉर नैनोमीटर। अच्छा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा साइज जो होता है वायरस का वो इतनी रेंज में होता है, 250 to 300 की रेंज के अंदर। तो अब ये सबसे बड़ा साइज कितना हो सकता है? 1/10 ऑफ रेड ब्लड सेल साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। उन्होंने कहा है कि रेड ब्लड सेल जो है उसको, मतलब जितना रेड ब्लड सेल का साइज होता है, अगर हम उस सेल को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब पहले एक को दो में डिवाइड करते हैं, फिर उनको थ्री में, फिर फोर में, मतलब इस तरह करते करते जब 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फर्स्ट, उतना साइज होता है वायरस का। टाइनियस्ट वायरस इज द 20 नैनोमीटर, और जो सबसे छोटा होता है वो 20 नैनोमीटर होता है, स्मॉलर देन द राइबोसोम, राइबोसोम से भी छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास के वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ओके, वायरस के कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो नेचर है वो एसिडिटी होती है, इसलिए उसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। या तो उसमें DNA प्रेजेंट होता है या RNA प्रेजेंट होता है। उसके साइड पे एक कोट होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं कैप्सिड। ये क्या करता है, जो प्रोटीन कोट है इसका क्या काम होता है कि बाहर से फिजिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस ना कर सकें, कि बाहर से कोई भी जो चीज़ है वो एक्सटर्नली तौर पर आके इनसाइड द वायरस जो है उसको अटैक ना करे, तो ये प्रोटीन कोट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जो कैप्सिड है वो स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं, और कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को कि फिजिकल कंडीशन का इन्फ्लुएंस इस पर ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद HIV, दैट इज़ द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मतलब HIV होता क्या है, जो कि आज हमारा मेजर टॉपिक है। HIV जो है वो एक इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस कॉज करवा रहा होता है। अब HIV का मतलब क्या होता है? H मतलब इन्फेक्ट्स ओनली ह्यूमन बींग, मतलब कि ये H फॉर ह्यूमन बींग, के ह्यूमन बींग पे इन्फेक्शन हो रहा होता है सिर्फ। आई मीन्स इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाना। अब इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो हमारे जो सेल्स बन रहे होते हैं, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जितने भी उनमें सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो ये डायरेक्ट जाकर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। उससे इन्फेक्शन जो है उनके चांसेस बढ़ेंगे कि वो हमारी बॉडी में फैलना शुरू कर दे। तो उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, तो उसे कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। वी फॉर वायरस, वायरस मतलब जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा। लेट्स स्टार्ट विद के HIV होता कैसे है, ठीक है। HIV अकर ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिशन और ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन के जरिए भी हो सकता है, और जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब कि किसी में ब्लड की कमी हो गई है तो कोई दूसरा बंदा अपना ब्लड उस बंदे को दे रहा हो जिसके अंदर ब्लड की कमी हुई है, तो मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उस तरीके से भी HIV हो जाता है। HIV जब इंटर होता है तो वो हमारे CD4s को, सेल को इफेक्ट करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि CD4 सेल होते क्या हैं, और HIV इंटर होता है तो CD4 सेल को क्यों अटैक करता है।
CD4 सेल जो है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये CD4 सेल को हम हेल्पर सेल भी कहते हैं और टी सेल भी कहते हैं। अब वाइट ब्लड सेल देखें, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड भी होते हैं, वाइट ब्लड भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। उन्हीं में से जो CD4 सेल हैं ये फर्दर डिवीजन है वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो क्योंकि क्यों हम इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वाइट ब्लड सेल जो है वही मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में अंदर, और ये जो है पैथोजन के अगेंस्ट लड़ते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉज करवा रहे होते हैं, बीमारियाँ फैला रहे होते हैं। ठीक है, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वायरस भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, WBCs जो है वो, मतलब वाइट ब्लड सेल जो है वो डिग्रेड करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट के CD4 सेल कैसे इफेक्ट होते हैं? जब HIV इंटर हुआ हमारे सेल्स के अंदर, मतलब वो डायरेक्ट जाके इन्फेक्ट करेगा CD4 सेल के ऊपर, और CD4 सेल जो है वो एक सेल से वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होगा मेनी में, और ये एक पार्ट से होल द बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा। अब किस तरीके से वो हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि HIV और एड्स सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता और क्या वजह है? HIV जो है वो कॉज करवा रहा होता है एक वायरस जिसे हम कहते हैं HIV। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन अकर्स विद इन द बॉडी। अब देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि HIV और एड्स जो है वो सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि HIV को जो वायरस कॉज कर रहा है उसका नाम तो HIV हो गया, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट इन्फेक्शन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन होगा तो हम उसे मेनिनजाइटिस कहेंगे। अगर रेस्पायरेटरी, मतलब हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा तो हम उसे ट्यूबरक्लोसिस कह देंगे। इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो हम उसे क्रोनिक डायरिया कह देंगे। क्रोनिक डायरिया मतलब कि जो काफ़ी अर्से के लिए रहता हो। ठीक है, तो अब क्या बात है कि पहले जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर कॉज करवाएगा HIV, ठीक है, HIV जब हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का तो काम ही है ना कि वो फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन, लेकिन जब HIV के इंटर होने से हमारे इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका होगा, तो जो बाकी पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजो हो गया, मतलब दूसरे जो जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनको ये चांस मिल जाएगा कि वो आराम से जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकें और इन्फेक्शन कॉज करवा दें। ठीक है, HIV ऑलरेडी प्रेजेंट था और दूसरे पैथोजेंस ने भी और मजीद इन्फेक्शन कॉज करवा दिए, तो जो ऐसा इन्फेक्शन हो रहा हो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ड्यू टू दिस HIV एंड अदर इन्फेक्शन एट अ टाइम इन बॉडी। अब HIV भी है और दूसरे इन्फेक्शन भी एट अ टाइम इन बॉडी हो रहे हैं, तो HIV और दूसरे इन्फेक्शन मिल के जो कॉज करवाते हैं उसे कहते हैं एड्स। ठीक है, सिंपल जो HIV होता है वो एड्स नहीं होता। HIV और बाकी इन्फेक्शन जब कंबाइन हो गए तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एड्स। अवर बॉडी बिकम ससेप्टिबल, हमारी बॉडी जो सेंसिटिव हो जाती है, और CD4 सेल जो हमारे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं। और CD4 सेल्स का तो सारी बात है काम ही किस में था कि वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट कर रहे थे। नेक्स्ट, देन वी कैन से पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स। अब हम कहेंगे कि पर्सन जो है वो सफ़र किससे करवा रहा है? एड्स से करवा रहा है। ठीक, क्या है? ए फॉर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि लिया गया हो, मतलब कि एट अ टाइम बॉडी के अंदर जो दूसरा इन्फेक्शन हो चुका हो। इम्यूनो हमारा इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी वीक होना, और सिंड्रोम डिजीज़। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को HIV हो उसको एड्स भी हो। हो सकता है कि किसी को HIV हो और किसी को एड्स हो। अब जो हम इसमें कवर करेंगे HIV हुआ कैसे और उसके लाइफ साइकिल डिटेल में। ओके, HIV ओरिजन। HIV अकॉर्डिंग टू मैनी एविडेंसेज इट कम फ्रॉम अफ्रीका। मतलब कि बहुत सी हमने स्टडीज़ देखी हैं, रिपोर्टेड भी हुआ है, एस्टिमेट भी लगाया गया है कि ये जो HIV का ओरिजन हुआ है ये अफ्रीका से हुआ है। अब अफ्रीका में कहाँ से? फ्रॉम नॉन प्राइमेट्स टू ह्यूमन। अब प्राइमेट्स में तो आपके पास सब आ जाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग भी, एनिमल्स भी, बर्ड भी, सब कुछ। लेकिन नॉन प्राइमेट्स का मतलब कि जैसे मंकीज हो गए, उनके स्पीशीज हो गई, चिंपैंसी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो डिजीज़ है HIV, ये इन नॉन प्राइमेट से ह्यूमंस में आया है। ठीक है, और हर वो डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन उसे कहते हैं जूनोसिस। जैसे कि मलेरिया है, डेंगी है, कोरोना वायरस है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये सब क्या हुए हैं कि ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आए हैं। ठीक है, तो अब हम जो इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो है हमारा HIV। HIV का जो फर्स्ट केस था वो हुआ है 1981 में, आइडेंटिफाई हुआ था। कहाँ हुआ था? क्लिनिकली इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर।
इट स्टार्ट अकर इन होमोसेक्सुअल देन हेट्रोसेक्सुअल ऑल्सो इन बेबीज, मतलब स्टार्ट के अंदर ये होमोसेक्सुअली बेस पे HIV ओरिजिनेट हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हेट्रोसेक्सुअली बेस पे, होमो मीन्स के मतलब सेम सेक्स में, फिर डिफरेंट सेक्स में, फिर बेबीज में भी जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। जब ये तमाम ह्यूमन बींग्स में आ गया था तो फिर इसको जो है नाम दिया गया HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस 1986 में। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द CD4 सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि हमारे जो CD4 सेल्स हैं उनको HIV इंटर होता है और डिस्ट्रॉय करता है। CD4 सेल क्या होते हैं, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो CD4 सेल हैं वो एक अपना मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं कि किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जब HIV इंटर होता है तो वो इन्हीं CD4 सेल के ऊपर अटैक कर देता है, जारी बात है, फिर हमारे CD4 सेल वीक हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। HIV जो यूज़ करता है मशीनरी जो यूज़ करता है CD4 सेल की यूज़ कर लेता, तो फिर HIV जो एक सिर्फ होता है इंटर बॉडी में, एक HIV है और वो CD4 सेल के अंदर मल्टीप्लाई हो के वो स्प्रेड करता है पूरी बॉडी के अंदर। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम 7 स्टेप्स होते हैं इसके, या 7 स्टेजेस होती हैं, जिसमें लाइफ साइकिल जो HIV का कंप्लीट हो रहा होता है उसे कहते हैं HIV लाइफ साइकिल। तो जो उसकी 7 स्टेजेज है उनमें सबसे पहले बाइंडिंग यानी कि अटैचमेंट, फ्यूजन मतलब कि एंट्री, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, देन असेंबली और बर्डिंग एंड देन रिलीज। ओके, टू अंडरस्टैंड ई स्टेज इन HIV लाइफ साइकिल इट हेल्प्स टू फर्स्ट इमेजिन वट HIV लुक्स लाइक, मतलब ये कि जितनी भी HIV की स्टेजेस हैं उससे पहले हमें ये देखना है कि HIV होता किस तरीके का है और वो किस तरीके से इंटर होता है और कहाँ पर जाके इसके अटैचमेंट वगैरह हो रही होती है। तो उसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट इसका एनवेलप होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है CD4 सेल को रिसेप्टर से अटैच होने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। फिर जो इसका इनर एनवेलप होता है, फिर सबसे मिड में जो है इसके पास कैप्सिड या प्रोटीन होती है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है और 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये सब कुछ शामिल होते हैं। अब ये जो उन्होंने सब कुछ लेबल किया हुआ है इसका क्या मतलब है, HIV कैप्सिड का मतलब, कैप्सिड का मतलब है कि वो प्रोटीन, वो कोर जो कंटेन करता हो HIV RNA को, इस कैप्सिड के अंदर जहां आपको एरो नज़र आ रहा है जो डबल राउंडेड के अंदर नज़र आ रहा है वो HIV RNA, RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब साइड पे HIV इनवेलप है जो कि आउटर सरफेस है किसकी, HIV की, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर क्या होते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो उसको क्या करती हैं अटैच होने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। HIV एंजाइम्स जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह के एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं फर्दर हर स्टेप में यूज़ हो रहे हैं HIV में, जो कि लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट आउट करने में हेल्प कर रहा है। फिर HIV ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जब ग्लूकोज और प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जो उनका कम्बिनेशन है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये वो स्पाइक्स हैं, ये जो स्पाइक्स आपको एरो में नज़र भी आ रही हैं HIV ग्लाइकोप्रोटीन जहाँ लेबल हुआ है एम्बेडेड इन HIV इनवेलप। और फिर जो HIV RNA है वो क्या करता है, जेनेटिक मटीरियल मतलब जो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर। अब हम इनकी स्टेजेस स्टार्ट करते हैं, स्टेजेस ऑफ HIV लाइफ साइकिल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ द बाइंडिंग, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। HIV वायरस इंटर इंटू द बॉडी, के बॉडी के अंदर इंटर होगा, ठीक है, अटैक्स द CD4 सेल्स, CD4 सेल वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स हैं, एंड अटैच इट सेल्फ टू द सेल ऑन इट सरफेस, मतलब जो स्पाइक्स थी जो अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था कि यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन वाली स्पाइक्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर जाके CD4 सेल के साथ वो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूजन, द सेकेंड स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल इज कॉल्ड अ फ्यूजन, दूसरी को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब वो अटैच हो जाता है CD4 सेल इट सेल्फ उसके साथ अटैच हो जाता है तो इनके साइड पे इनवेलप होता है, ठीक है, इनवेलप से भी ये इस क्या करता है, एंट्री को अलाउ करता है कि जो वायरस है वो इनवेलप को क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब जब वो इनवेलप के अंदर इंटर हो गया तो वो इनवेलप ख़त्म हो जाएगा और वो फिर आगे जो है वो कैप्सिड प्रोटीन के अंदर भी इंट्री कर लेगा तो वो भी इसकी डीजनरेट हो जाएंगी। थर्ड स्टेज जो हैपन वंस द HIV वायरस इंटर द CD4 सेल, जब ये इंटर हो गया, दिस अलाउज द वायरस टू रिलीज एन HIV, ये क्या करेगा, एक HIV एंजाइम रिलीज करेगा, ये उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, वो इनेबल करेगा कि ये जेनेटिक मेकअप करे इसमें, मतलब जेनेटिक मटीरियल बनाए
और HIV RNA को, मतलब RNA सिंगल स्ट्रैंडेड था तो उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दे। ये कन्वर्जन जो अलाउ करती है HIV वायरस को कि वो इंटर होती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर टू इंटीग्रेट विद इट, मतलब उसके साथ जो है वो अटैचमेंट जो है वो कर ले। इंटीग्रेशन क्या होगी नेक्स्ट स्टेज में, व्हेन द HIV वायरस हैज सक्सेसफुली इंटर द CD4 सेल्स न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी इंटर हो गया है, मतलब सेल के अंदर इंटर किया, उसका एनवेलप डीजनरेट कर दिया, कैप्सिड भी डीजनरेट कर दिया, ये पहुंच गया है न्यूक्लियस तक, वहां ये रिलीज करेगा एक कोर एंजाइम। ठीक है, पीछे तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंक्रीज इंडिकेट किया था जो कि उसके न्यूक्लियस में शामिल हो रहा था, अब यहाँ पर इसने जो एक एंजाइम शामिल हुआ है वो है इंटीग्रेज। ये इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, वायरस यूज द इंटीग्रेट ओन DNA, ये अपना DNA को यूज करेगा और इन्फेक्टेड CD4 सेल के अंदर उसकी एंट्री करवा देगा। इस फोर्स ये फोर्थ स्टेप था HIV लाइफ साइकिल का, इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसे कहते हैं इंटीग्रेट एंजाइम, जो कट करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA को, मतलब कि जो होस्ट का CD था यानी CD4 सेल जो था उसमें उसने इंसर्ट किया है वायरल DNA। जब वायरल DNA CD4 सेल के अंदर इंटर होगा तो हाइब्रिड बन जाएगा, मतलब मिक्सचर बन जाएगा, इन्फेक्शस हो जाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या होगा कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, मतलब ये कि फिफ्थ स्टेज जो है HIV लाइफ साइकिल की, इसके अंदर वायरस जो है वो स्टार्ट करेगा HIV प्रोटीन्स को कि एक लॉन्ग चेन्स बनाते। ये प्रोटीन चेन्स जो हैं क्या करेंगे HIV वायरस को के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगी और ये स्प्रेड करेगा पूरी बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाता है असेंबली, जो सिक्स स्टेज है HIV वायरस की, उसमें क्या होगा कि न्यू HIV RNA और प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएंगे इन्फेक्टेड CD4 सेल से, मतलब जो उधर हाइब्रिड बना था ना CD4 सेल का और वायरल DNA का, उन दोनों मिक्सचर के साथ न्यू CD4 सेल जो है प्रोड्यूस होना शुरू होंगे सेल, और वो असेंबल होंगे नॉन इन्फेक्शस इमेच्योर HIV के साथ। मतलब ये कि प्रोटीन जो कन्वर्ट हुआ था, मतलब DNA से RNA, RNA से जो प्रोटीन बना था, वो प्रोटीन अब कन्वर्ट हुआ है मेच्योर में, बट वो नॉट यूजफुल फॉर्म ऑफ वायरल DNA, वो वायरल DNA की यूजफुल फॉर्म नहीं थी, उसमें प्रोटीज जो एंजाइम था वो प्रेजेंट होता है। वो प्रोटीज एंजाइम क्या करता है, प्रेजेंट प्रोटीन को कट करता है और मेच्योर प्रोटीन को कन्वर्ट करता है सब यूनिट्स में, जो ये सब यूनिट्स बनते हैं ये सारे इन्फेक्शस होते हैं, मतलब इनमें इन्फेक्शन जो है वो फैल चुका होता है, ये सब के सब एक जगह पर असेंबल होते हैं, मतलब के सरफेस के ऊपर से असेंबल हो जाते हैं। फिर जो लास्ट स्टेज आती है बडिंग, इन जो इन्फेक्शस एजेंट्स होते हैं इनसे क्या होता है सब यूनिट से कि HIV लाइफ साइकिल, व्हेन द इमेच्योर HIV इज रिलीज फ्रॉम विद इन द इन्फेक्टेड CD4, जो इन्फेक्टेड CD4 बन चुके थे उनसे मेच्योर HIV जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू करता है, उसकी आउट ग्रोथ बनती है, वो मेच्योर बनता है, फिर इन्फेक्ट जो है उसी अदर CD4 सेल को करता है, पहले इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बनती हैं, फिर मतलब कैप्सिड भी बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन भी बन गया, आउटर मोस्ट एनवेलप भी बन गया, मतलब ये मेच्योर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि वन सेपरेटेड, ये अलग से सेपरेट हो जाता है और कंबाइन करता है दूसरे मेच्योर इन्फेक्शस वालों के साथ। ठीक है, तो फिर ये अदर पूरी पार्ट ऑफ बॉडी को जो इन्फेक्ट करता है CD4 सेल से। शॉर्ट में क्या कहेंगे हम, CD4 सेल से आउटग्रोथ हुई, बडिंग हो गई, उसने डेवलप किया, मेच्योर हुए, फिर इन्फेक्ट किया अदर CD4 सेल को। जब एक दफ़ा HIV इंटर हो गया तो कन्वर्ट होता है दूसरे HIV के अंदर जो इन्फेक्ट करता है बाकी CD4 सेल्स को। ठीक है, अब हम इसको ज़रा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, इसको सम अप करके, कि सबसे पहले हमने देखा बाइंडिंग, आपको नज़र आ रहा है कि HIV का जो हमने पहले देखा था सबसे पहले स्टार्ट में कि HIV दिखता कैसा है। ठीक है, HIV की जो स्पाइक्स थी वो अटैच हुई हैं CD4 सेल की सरफेस पे से, उसे कह दिया हमने बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जहां आपको नज़र आ रहा है फ्यूजन वाला। ठीक है, तो फ्यूजन में अब उन्होंने क्या किया, पहले वो इंटर हुआ सेल में, फिर उसने उसका जो इनवेलप था उसको डीजनरेट किया, फिर जो उसके कैप्सिड मतलब प्रोटीन यूनिट थे उनको भी डीजनरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में वो न्यूक्लियस के अंदर उसने एंट्री कर ली। ठीक है, इंटीग्रेस एंजाइम को लेते हुए उसने फिर हाइब्रिड बनाया है, किसका, वायरल DNA का और CD4, वायरल DNA को इंसर्ट करवाया CD4 सेल के अंदर, हाइब्रिड बनाया, तो क्या हुआ, वह CD4 सेल इन्फेक्शियस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने रेप्लिकेशन में क्या किया, एक HIV से मजीद HIV मतलब के और CD4 को इन्फेक्शियस होना, इन्फेक्शियस मटीरियल वो बनना शुरू हो गए। ठीक है, फिर ये काफ़ी सारे CD4 सेल जब इन्फेक्शस हो गए तो ये एक जगह पर असेंबल हुए, फिर इन्होंने क्या किया, उससे आउटग्रोथ हुई, इनकी बडिंग हुई, फिर एक HIV जो इंटर हुआ था वो डिफरेंट HIV मतलब मैनी HIV में कन्वर्ट हो गया, जिसने जो है वो स्प्रेड इन होल बॉडी में स्प्रेड कर दिया और ट्रांसफर इट टू अदर्स। ठीक है, द
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जब ये स्टेप्स सारे के सारे पढ़ें तो आप अपने पास एक कॉपी रखें, साथ साथ अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखते रहें ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए कि हर पॉइंट में क्या हो रहा था, ठीक है। और जहाँ पर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाए या आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रही हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज़ द ramesh.academy@gmail.com। और अगर आपको कोई और मज़ीद टॉपिक जो जल्दी चाहिए और आपको समझ नहीं आ रहा उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।